हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अमित चौधरी इस चैनल का होस्ट शो आपका दोस्त आप देख रहे हैं अमित चौधरी करियर गाइड और आप ये मेरा कोरा प्रोफाइल देख रहे हैं जिसमें आपको मेरा सारी डिटेल दी हुई है आई एम वर्किंग एज अ रिस्पॉन्डिंग आंसर ऑन कोरा एज अ काउंसलर एज अ करियर एडवाइजर और मैंने एम बी भी किया हुआ है और ये मेरी प्रोफाइल दिख रही है चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विथ सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट टू चूज़ इन क्लास इलेवन टू बिकम अ टीचर इन इंडिया ओके सो अगर आपको टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन टीचिंग एज अ नोबल प्रोफेशन है आप सबको पता होगा विच क्रिएट ऑल अदर प्रोफेशंस तो अगर आपको टीचर बनना है मीन्स लेक्चर बनना है प्रोफेसर बनना है ओके okay, सो so आपको लेवेंथ ट्वेल्थ करना होता है ओके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस फील्ड में आप करना टीचर बनना चाहते हो या लेक्चरर बनना चाहते हो फिर उसी फील्ड में आपको बीएससी मतलब फॉर एग्जांपल बैचलर करना पड़ता है फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो लेक्चर बनना चाहते हो तो बी करना रहता है अगर हिस्ट्री जोग्राफी में इंटरेस्ट है आपका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो बी करना पड़ता है उस चीज़ से आ, बी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और और जैसे मैं बता रहा था उसके बाद जो है उसके बाद आपको बीएड जो टू इयर्स का फुल टाइम प्रोफेशनल एजुकेशनल डिग्री कोर्स है वो आपको करना पड़ता है ओके बीएड तो टू बी एड जो है वो टू ईयर्स का होता है और आप ट्राई करो कि सबका सब आपका रेगुलर मैनर में हो रेगुलर लेक्चर में हो एंड नॉट इन डिस्टेंस लर्निंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या करना पड़ता है आपको स्कूल या जूनियर जूनियर कॉलेज के टीचर बनने के लिए आपको पर्टिकुलर फील्ड में फॉर एग्जाम्पल टेंथ में आपने जो है Uh, सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी साइंस में ओके okay? जैसे कि मैथ्स का एकदम क्लियर है मैथ्स में अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ्स का टीचर बनना है प्रो, प्रोफेसर बनना है सो आपको एवं uh, ट्वेल्थ में जो है पी साइंस लेना होगा ओके okay? और साइंस लेने के बाद आपको बीएससी इन मैथ्स करना होगा मैथ्स एंड स्टेटिक्स आप कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहे तो एमएससी कर सकते हैं या तो बीएससी के बाद डायरेक्टली टू इयर्स का बी डिग्री कोर्स कर सकते हैं ओके okay, मतलब पर्टिकुलर फील्ड में जिस फील्ड में आपको टीचिंग करना है या टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है तो उस फील्ड में आपको बैचलर्स करना पड़ता है फिर टू ईयर का बीएड जो प्रोफेशनल फुल टाइम टीचिंग डिग्री कोर्स है एजुकेशनल कोर्स है वो आपको करना रहता है ओके okay, सो so, आप अलेवन ट्वेल्थ में अगर समझ लीजिए आपको साइंस का टीचर बनना है बेसिकली आप भले आप कोई भी फील्ड में बनो मतलब फिजिक्स करो बी एस फिजिक्स ले सकते अगर फिजिकल पार्ट में इंटरेस्ट है तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चैप्टर थे आपको टेंथ में ओके okay. और मोशन रिलेटेड ग्रेविटेशन रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो सब में इंटरेस्ट है तो अदरवाइज केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन में इंटरेस्ट है तो केमिस्ट्री कर सकते हैं बीएससी इन केमिस्ट्री ओके और अगर आपको लाइफ साइंस में इंटरेस्ट है तो बीएससी इन बायोलॉजी बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं जोआलॉजी इन बॉटनी तो आप सी कर सकते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी जियोलॉजी ओके थ्री इयर्स में एंड फाइनल ईयर में जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा वो फील्ड वो जो सब्जेक्ट होगा वो आपको फाइनल ईयर में रखना होगा थ्री ईयर्स का जो बी कोर्स होता है ओके okay, उसमें आपको क्या होता है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको फाइनल ईयर में रखा जाता है बाकी दो तीन सब्जेक्ट लेकर आप बी कर सकते हैं तो आ, तो वैसा कर सकते हैं आप बाद में एम कर सकते हैं या तो डायरेक्टली बी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ओके बी के बाद भी आप एम करना चाहते हैं अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं सो so, अगर आपको डिग्री कॉलेज टीचर बनना है लेक्चरर बनना है तो आपको मास्टर्स जो है वो कंपलसरी हो जाता है मतलब आपको मास्टर्स करना पड़ता है एमएससी करना पड़ता है ओके इन दैट सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो लेक्चर जूनियर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए अदरवाइज आपको स्कूल सेक्शन तक सिर्फ बीएससी uh, एस या मतलब बैचलर डिग्री के बाद बीएड करते हैं तो डेट इज़ इनफ नो प्रॉब्लम ओके और जैसे मैंने दूसरा जो है ये पार्ट वन पार्ट टू करके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अगर आपको समझ लीजिए कि हिस्ट्री जोग्राफी या लैंग्वेज का टीचर बनना है सो तो आपको अलेवेन्थ ट्वेल्थ आप आर्ट्स ले, ले लेंगे ओके okay? और फिर बी ए कर लेंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जो भी आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिटरेचर या तो हिस्ट्री जोग्राफी जो भी आपसे जिसमें आपको आ, टीचिंग में इंटरेस्ट है उस फील्ड में टीचर बनना है लेक्चरर बनना है उसके लिए और जैसा मैंने बताया इसमें वैसा सेम इसमें आप उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं बीए के बाद एमए कर सकते हैं या तो डायरेक्टली बीएड कर सकते हैं और आपको डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बनने जूनियर कॉलेज का प्रोफेसर बनना है एलेवन ट्वेल्थ क्लास के लिए तो भी आप मास्टर्स कर सकते हैं और जनरली नॉर्मल कॉलेज में आप एम या एम के बाद आप जूनियर कॉलेज में तो पढ़ा ही सकते हैं साथ में डिग्री कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं बट जहाँ पर बोलते हैं ना कि रेपुटेड इंस्टीट्यूट वगैरह होता है ओके या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होते हैं जहाँ पर बोलते हैं ना कि अच्छा डिमांड और अच्छी रिस्पेक्ट होती है अच्छा इनकम होता है वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ जगह पर पी जो है वो रिक्वायरमेंट होता है किसके लिए डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज की मेरी पढ़ाने के लिए मैं जूनियर कॉलेज और स्कूल्स की बात नहीं कर रहा हूँ स्कूल्स और जूनियर के लिए तो बैचलर देन बीएड इज़ इनफ टू ईयर का बीएड डिग्री कोर्स होता है और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि बी एड डिग्री के लिए कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में एंट्रेंस भी देना पड़ता है जैसे महाराष्ट्र में एंट्रेंस देना पड़ता है ओके okay, महाराष्ट्र जो है वहाँ पर एम एच सी टी फॉर बी एड वो आपको देना पड़ता है ओके okay, और महाराष्ट्र में तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि जो टीचिंग अगर आपको करना है तो डायरेक्टली फाइव ईयर का भी डिग्री आप कर सकते हो फाइव ईयर बी डिग्री जो है वो आप कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं बट हाँ ये वाला रूट ज़्यादा बेटर होता है बैचलर करने के बाद बी एड करो तो जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मास्टर करने का ऑप्शन होता है ओके okay, फ्रेंड्स तो मोस्ट ऑफ ऑल आपको ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स वगैरह लेना है तो वो सब्जेक्ट्स आपको एलेवन ट्वेल्थ में लेना होगा जैसे एलेवन ट्वेल्थ में आप मोस्टली आप अगर आप साइंस से करना चाहते हो तो पी सी एम चलो पी सी तो फ्यूचर में आपका जो भी अच्छा होगा वो आप कर सकते हो ओके okay. और यहाँ पर अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स में जा रहे हो तो मैथ्स जरूर ले मैथ्स जरूर ले मैथ्स अगर आप लेते हैं तो लेवन ट्वेल्थ में तो आपके पास आगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अगर ऑप्शन नहीं होते बोलेंगे सर कि बीकॉम करके नहीं बन सकते क्या टीचर हाँ बीकॉम करके भी आप टीचर बन सकते हैं बट आप स्कूल टीचर नहीं बन सकते बिकॉज कॉमर्स के सब्जेक्ट्स स्कूल्स में नहीं होते स्टेट बोर्ड्स में तो नहीं होते ओके बट हाँ अगर आप बीकॉम करके बीएड करते हो ओके या एम कॉम करके बी करते हो तो आप जूनियर कॉलेज कॉमर्स के लिए टीचर बन जाते हो बट वहाँ पर जैसे मैंने बताया स्कूल्स में आप नहीं कर सकते सिर्फ कॉलेज में जॉब कर सकते हो कॉलेज जूनियर कॉलेज में तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बी एस एंड बी अगर आप करते हो तो और बी मैंने बताया टू ईयर्स का कंपलसरी है वो आपको करना ही पड़ेगा उसके बाद ये देख सकते हैं आपको ये मेरा जो है मैंने ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे आंसर्स दिए हुए हैं कोरा पे और वही मैं यहाँ यूट्यूब में बता रहा हूँ ओके okay, सो so आप कोई भी क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हैं मेरे यूट्यूब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा अमित चौधरी करियर गाइड ग्रुप भी है टेलीग्राम ग्रुप भी है और मेरे प्रोफाइल्स भी है वहाँ पर जाकर आप पर्सनल मैसेज में कोई भी डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस पर वीडियो देखना है कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना है और ये आंसर ऑलरेडी कोरा पे जो है फोर पॉइंट थ्री के व्यूज़ है उसके ओके सो इट इज़ वेरी जेन्यून एंड ऑथेंटिक आंसर ओके थैंक यू सो मच गाइज और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट करें शेयर से, करें और जिसे जरूरत उसके साथ उसके पास जरूर पहुंचाएं शेयर करके और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ओके थैंक यू सो मच